मलाई गोला, जहाँ पर हम ट्राई करेंगे मलाई गोला। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है जब मैं मलाई गोला ट्राई करूँगी, तो आइए देखते हैं कि कैसा बनता है उसका टेस्ट। ये मलाई है। okay. और उसके ऊपर पहले कलर डाला था ना? हाँ, मैंगो था उस पर। okay. अभी उस पर मलाई आया, अभी इसके बाद इस पर हम लोग डालेंगे मावा। हाँ। जो कैमल के दूध से बनता है। अच्छा, ये कैमल दूध का है। यस। तो ये तो एक्सपेंसिव होगा ना काफी? यस मैम। और इस पे हम लोग फिर चार फ्लेवर डालते हैं। okay, ये कौन सा फ्लेवर है? कच्चा कैरी। कच्चा कैरी, हाँ, थोड़ा खट्टा टेस्ट। हाँ, के लिए टेस्ट है। इसके बाद एक स्वीट डालते हैं जो रोज है। तो ये अभी आप कौन सा बना रहे हो? ये मलाई मावा ड्राई फ्रूट और एक मलाई मावा सादा, जिसमें एक में ड्राई फ्रूट रहेगा और एक में फिर से ये खट्टा फ्लेवर ऑरेंज आ गया। एक पे हम लोग ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ये रेडी अभी? यस। और उस पे एक फ्लेवर आएगा बटर स्कॉच। okay. जो उसका कलर भी देखोगे ना आप तो ब्लू कलर बना रहे हैं हम लोग। हाँ। और उसका लुक भी अच्छा आता है जब गोला अच्छा। रेडी होता है। तो ये बटर स्कॉच फ्लेवर है? यस मैम। okay. अभी ये तो हो गया रेडी। प्राइस बता दीजिएगा। इसका प्राइस है 120, इसका 100 है। ओके, तो हमारा ठंडा ठंडा मलाई गोला आके रेडी है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यार, हाथ में पकड़ा एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। और देख सकते हैं, आपने मेकिंग तो देख लिया इसका कि इसके ऊपर क्या क्या डाला है। दिखने में इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल लग रहा है, ऊपर से ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं इस पर और इस पर ये मावा पड़ा हुआ है। तो खा के देखते हैं कि कैसा है। ये मेरा फर्स्ट बाइट जाएगा, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ लाइफ में, मैंने कभी खाया नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे बट कभी खाया नहीं है। खा के देखते कैसा है। इतने अलग अलग फ्लेवर्स है ना, माउथ में एकदम बर्स्ट हो रहा है। मतलब खट्टा लग रहा है, फिर मीठा लग रहा है, फिर ड्राई फ्रूट का एक क्रंची फ्लेवर आ रहा है। मावा का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हो मावा इन्होंने डाला हुआ है। इन्होंने बताया कि ये कैमल मिल्क का मावा है, टेस्ट नॉर्मल मावा से काफ़ी अलग है बट अच्छा है टेस्ट। इसमें देख सकते हो कितना कलरफुल दिख रहा है अंदर, उसका जो आइस है ना मस्त लग रहा है एकदम। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी है। खट्टा खट्टा फ्लेवर आ रहा है और फिर थोड़ा सा मीठा लग रहा है बीच में, क्रंची फ्लेवर है, ठंडा लग रहा है, बहुत मस्त है। ब्रेन फ्रीज हो रहा है, मतलब ऊपर से जब खा रहे ना एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है कि ठंडा है। मैं जब खाते ना तो लगता नहीं है कि ठंडा हो, जब ये अंदर जाता ना अंदर का जब आइस लगता ना एकदम माउथ में, मतलब एकदम ठंडा, एकदम ना ब्रेन फ्रीज हो रहा है। और ये इसका जो मलाई डाला है ना इन्होंने, इसका भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा है, मलाई एकदम अंदर तक गई है उसमें आइस में। और ये देखो यार, ये जो नॉर्मल हम लोग गोला खाते हैं ना उसमें कैसे फ्लेवर्स रहते हैं, वैसे ही कलर आया, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। और कॉन्सेप्ट ये काफ़ी अच्छा है, यूनिक है और टेस्टी भी है। हेल्दी है क्या नहीं वो तो नहीं मतलब पता, पर टेस्टी काफ़ी है। और ये जो गर्मी चल रही है ना अभी मुंबई में, इसमें तो ये ज़रूरी है खाना ठंडा। वैसा मुंबई की गर्मी में ना ये गोला तो मस्ट ट्राई है। तो अगर आपने कभी नहीं खाया है, मैंने तो ये फर्स्ट टाइम खाया, बहुत लोगों ने खाया भी होगा, बट अगर आप मेरे जैसे हो कि आपने अगर अभी तक नहीं ट्राई किया तो ज़रूर यहाँ पर आइए और ट्राई कीजिए। अगर आप नाला सुपर बस से विरार से रहते हो तो यहाँ पर आना तो बनता है। फिर से मैं एक बार लोकेशन बता देती हूँ, हम आए थे विरार वेस्ट में जो कि विवा कॉलेज, ओल्ड विवा कॉलेज के पास है। यहाँ पर देख सकते हो डोमिनोज है और बस डोमिनोज के बाजू में इनका स्टॉल है यहाँ पर पूजा मलाई गोला। और पीछे साइड में देख सकते हो इनकी शॉप भी है वहाँ पर, तो आप वो शॉप पर भी आ सकते हो। डे टाइम में भी ओपन रहता है और इवनिंग में भी, तो कभी भी आप आ सकते हैं और गोले का आनंद ले।
ले सकते हो। तो मैं तो अपना गोला ख़त्म कर दूंगी मेल्ट होने से पहले। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।